साल भर में सबसे प्यारा होता है एक सादुआए। ओके दोस्तों, क्या आप भी कुछ इस तरह का हैप्पी बर्थडे वाला व्हाट्सएप स्टेटस वीडियो एडिटिंग करना चाहते हो तो दोस्तों इस वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर एंड तक देखते रहो, क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाऊंगा इस तरह का बर्थडे स्टेटस वीडियो आपको कैसे क्रिएट करना है। दोस्तों इस तरह का बर्थडे स्टेटस वीडियो क्रिएट करने के लिए आपको सिर्फ काइनमास्टर ऐप का जरूरत पड़ेगा, और दोस्तों काइनमास्टर ऐप का लिंक मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अगर दोस्तों आप लोग मुझसे कोई भी वीडियो एडिटिंग करवाना चाहते हो तो दोस्तों मुझे कमेंट या इंस्टाग्राम पर मैसेज जरूर करना। तो दोस्तों सिंपली से आपको काइनमास्टर ऐप ओपन करके क्रिएट में क्लिक करना है, 9:16 दोस्तों सेलेक्ट करना है, और फोटो डिस्प्ले मोड फिल स्क्रीन करके फोटो का ड्यूरेशन आपको 4 सेकंड रख कर नेक्स्ट करना है, और आपको मीडिया ऑप्शन में जाके 10 से 12 फोटो ऐड करना है। दोस्तों फोटो के ऐड कर लेने के बाद आपको आ जाना है वीडियो के स्टार्टिंग पोजीशन में, और फोटो के मिडिल में जो प्लस वाला आइकन है इसमें क्लिक करना है, और दोस्तों यहाँ पर आपको एक ट्रांजेक्शन इफेक्ट ऐड करना पड़ेगा। ट्रांजेक्शन इफेक्ट का नाम है दोस्तों कलरफुल स्पेस। दोस्तों एक ट्रांजेक्शन इफेक्ट आपको दोस्तों क्या करना है, एक एक करके दोस्तों आपका जितना फोटो के मिडिल में प्लस वाला आइकन है आपको ऐड करते जाना है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं फटाफट से ऐड कर लेता हूँ, उसके बाद दोस्तों मैं आप सभी को दिखाता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर मैं सभी फ़ोटो में ये वाला ट्रांजेक्शन इफेक्ट ऐड कर लिया हूँ, और ऐड करने के बाद स्टार्टिंग पोजीशन का जो फोटो है इसका लेंथ आपको थोड़ा कमा लेना है, और जो एंड पोजीशन का फोटो है इसका भी लेंथ दोस्तों आपको करीब 30 सेकंड रख के आपको राइट साइड ट्रिम कर लेना है। उसके बाद आपको इस एड ऑप्शन में जाके आपको ये वाला वीडियो पहले सेव करना है। दोस्तों वीडियो को सेव कर लेने के बाद आपको आ जाना है वीडियो के स्टार्टिंग पोजीशन में, और आपको दोस्तों एक बार बैक आना है और क्रिएट में फिर से क्लिक करके इस बार आपको 16:9 सेलेक्ट करके आपको नेक्स्ट करना है, और दोस्तों मीडिया ऑप्शन में जाके आपको वही 10 से 12 फोटो ऐड करना है। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने फोटो ऐड कर लिया हूँ, और ऐड करने के बाद आपको फिर से आ जाना है वीडियो के स्टार्टिंग पोजीशन में, और प्लस वाला आइकन में क्लिक करके नीचे मिलेगा फंड ट्रांजेक्शन, और दोस्तों आपको सर्कल वेब ट्रांजेक्शन इफेक्ट क्लिक करके थर्ड नंबर आपको सिलेक्ट करना है 3 लाइन में क्लिक करके। तो दोस्तों इसी तरह दोस्तों आपको क्या करना है, फंड ट्रांजेक्शन का जो है दोस्तों आपको लास्ट वाला छोड़ के आपको एक एक करके सभी आपको ऐड करते जाना है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं फटाफट से सभी फोटो में ये वाला ट्रांजेक्शन इफेक्ट ऐड कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आप सभी को दिखाता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर मैं सभी फ़ोटो में ट्रांजेक्शन इफेक्ट ऐड कर लिया हूँ, और आपको स्टार्टिंग पोजीशन का फोटो का लेंथ फिर से दोस्तों उसी तरह आपको थोड़ा कमा लेना है, और दोस्तों जो एंड पोजीशन का फोटो है इसका आपको 30 सेकंड रख के आपको राइट साइड दोस्तों आपको ट्रिम कर लेना है कुछ इस तरह से। ट्रिम कर लेने के बाद आपको क्या करना है, फ़ोटो में क्लिक करके और दोस्तों फ़ोटो का जो विग्नेट है दोस्तों आपको एक एक करके ऑन कर लेना है। दोस्तों फोटो का लेंथ विग्नेट ऑन करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, स्टार्टिंग पोजीशन में आके लेयर ऑप्शन में जाना है, इफेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करके बेसिक इफेक्ट में आके और ब्लर वाला इफेक्ट लेके चार और कुछ इस तरह से ब्लर करना है, और आपको लेंथ 3 रखना है। उसके बाद आपको कर लेना वीडियो का एंड तक करने के बाद आपको आ जाना वीडियो के स्टार्टिंग पोजीशन में, लेयर ऑप्शन में जाके मीडिया ऑप्शन सेलेक्ट करना है, और टेम्पलेट वीडियो दोस्तों ऐड करना है। दोस्तों आपको ये टेम्पलेट वीडियो कैसे डाउनलोड करना है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपको पहले इसको फिल स्क्रीन करना है, नीचे मिलेगा दोस्तों ब्लेंडिंग ऑप्शन, और स्क्रीन करके ओके कर लेना है, और आपको लेयर ऑप्शन में जाके मीडिया ऑप्शन सेलेक्ट करना है, और आपको सेव किया हुआ वीडियो ऐड करना है। दोस्तों वीडियो को ऐड करने के बाद आपको इस फ्रेम के मिडिल पोजीशन में ले आना है। ले आने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, कुछ इस पोजीशन तक आपको ठीक से आपको जूम कर लेना है फ्रेम के साइज मुताबिक। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छे से एडजस्टमेंट आपको कर लेना है पहले। दोस्तों यहाँ पर मैं थोड़ा लेफ्ट साइड या राइट साइड में स्लाइड करके फ्रेम में ठीक से एडजस्ट कर लेता हूँ। तो दोस्तों मेरा फ्रेम में ठीक से लगभग मेरा एडजस्ट हो गया है। तो दोस्तों इसके बाद आपको 3 डॉट में जाके सेंड टू बैकवर्ड कर लेना है, और आपको क्या करना है, लेयर ऑप्शन में जाके और आपको मीडिया ऑप्शन सेलेक्ट करके आपको एक टेडी वाला PNG ऐड करना है। दोस्तों टेडी वाला PNG ऐड करने के बाद आपको करीब इस पोजिशन में आपको बैठ लेना है। दोस्तों इस पोजीशन में आपको बैठ लेने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, इसका लेंथ आपको ले चल जाना है वीडियो के एंड तक। उसके बाद आपको क्या करना है, स्टार्टिंग पोजीशन में आके आपको लेयर ऑप्शन में जाके मीडिया ऑप्शन सेलेक्ट करके आपको फिर से एक PNG ऐड करना है। दोस्तों ये वाला PNG ऐड करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, इसका साइज थोड़ा छोटा करके आपको करीब इस पोजीशन में दोस्तों बैठ लेना है कुछ इस तरह से। इस पोजीशन में दोस्तों आपको एडजस्टमेंट बैठ लेने के बाद फिर से आपको इसका लेंथ ले चल जाना है वीडियो के एंड तक। एंड तक ले जाने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, आपको दोस्तों आपका एक नियम वाला आपको PNG आपको ऐड करना है, तो जो कि दोस्तों लेयर ऑप्शन में जाके और मीडिया ऑप्शन में आपको जाना है।
दोस्तों PNG मैंने ऐड कर लिया हूँ और दोस्तों आपको करीब इस पोजीशन में आपको बैठ लेना है अपना नाम के साइज मुताबिक। उसके बाद आपको ले चल जाना वीडियो के एंड तक ले जाने के बाद दोस्तों आपको आ जाना वीडियो के स्टार्टिंग पोजीशन में ऑडियो ऑप्शन में जाके कोई भी एक आपको बर्थडे ऑडियो ऐड कर लेना है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं ऐड कर लिया हूँ और आपको एक बार मैं प्ले करके दिखा देता हूँ किस तरह से एडिटिंग हुआ है। साल भर में सबसे प्यारा होता है एक दिन। तो दोस्तों देख रहे हो मेरा वीडियो बहुत ही अच्छा ओपी तरह से जो एडिटिंग हो गया है। दोस्तों अगर आपको इस टाइप के वीडियो एडिटिंग करने में कोई भी आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर दोस्तों आप लोगों को इस वीडियो को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। तो दोस्तों मिलते हैं एक न्यू इंटरेस्टिंग न्यू वीडियो के साथ। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था।